तो गाइस कैसे आप लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं मनीष सिंह, गाइस आप लोग देख रहे हो सिंह फिटनेस चैनल। तो आज मैं फिटनेस इंडस्ट्री से बहुत सारा अपडेट लेकर आया। तो उससे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपको मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ कि AFN एथलीट फॉर्मूला न्यूट्रिशन के बारे में। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा फेक सप्लीमेंट चल रहा है, और सबसे ज्यादा क्या होता है कि जो हमारे इंडियन ब्रांड होते हैं, जहाँ पे लैब टेस्ट होता नहीं है, उसके अंदर होगा क्या, बताया जाएगा क्या, मतलब उसके ऊपर। तो इसीलिए मैं आपको आज बताता हूँ एक वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द जेन्युइन ब्रांड, जो कि AFN एथलीट फॉर्मूला न्यूट्रिशन। इसका मैं सारा सप्लीमेंट यूज करता हूँ, एंड गाइस आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इस पूरे प्रैक में यूज कर रहा हूँ AFN का सारा सप्लीमेंट, चाहे प्रोटीन हो, BCAA, एवरीथिंग। तो आप में से भी यदि किन्हीं को चाहिए किसी प्रकार का सप्लीमेंट, तो AFN एथलीट फॉर्मूला न्यूट्रिशन का सप्लीमेंट परचेस करो। जब आप अच्छे सप्लीमेंट यूज करोगे तो आपकी बॉडी भी अच्छी बनेगी और अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो आप लोग एक बार जाकर चेकआउट करना AFN, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो गाइस आज का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट है वो है हरविंदर की तरफ से। रिसेंटली देख सकते हो उन्होंने अपना एक अपडेट शेयर करा ऑफ सीजन का। गाइस गाइस आप लोग देख सकते हो ऑफ सीजन में भी इनका फिजिक जो है बहुत अच्छा, और सबसे बढ़िया जो है इनका बॉडी के अंदर ना क्वालिटी मसल मास दिखता है। तो अभी फ्रेम में थोड़ा 4-5 LBS से भी और पुट ऑन करते हैं तो फ्रेम थोड़ा इनका बड़ा होगा। वेस्ट वैसे इनका नैरो, शोल्डर राउंड और बिट्स भी है, लेकिन थोड़ा सा मसल मैच्योरिटी और ज्यादा आएगा, बॉडी और ज्यादा हार्डनेस आएगा। और इनका थोड़ा सा मेरे को जो लैक पॉइंट लगता है वो लगता है बैक और चेस्ट थोड़ा और फुलर, बैक में थोड़ा बिट और थोड़ा मतलब मसल मास थिकनेस और अभी आ जाए ना, तो मैं कह सकता हूँ आने वाला 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर हरविंदर तो बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल कर दे सकते हैं इन प्रो शो। बाकी देखते हैं कि क्या अभी सेरू क्लासिक जो हमारा होगा उस वाले प्रो शो में कॉम्पीट करेंगे या फिर नहीं कॉम्पीट करेंगे। अभी कुछ वैसा अनाउंस नहीं करा, आएगा तो मैं अपडेट लेकर आ जाऊंगा। तो आप लोग बताना इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा और आप लोग क्या सोचते हो इनके बारे में। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है ब्रियोन एशली की तरफ से। रिसेंटली देख सकते हो ब्रियोन एशली ने अपना एक अपडेट शेयर करा। एंड गाइस पहले कंडीशन की बात कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस शो में कम्पीट करने वाले हैं। ब्रियोन एशली का देखो करंट कंडीशन देखकर यही लग रहा है कि ये बहुत जल्द ये कम्पीट करने वाले हैं, विद इन मतलब 6 to 8 weeks। एंड गाइस कंडीशन देखकर बस यही लग रहा है, वाह बोल सकते हैं, बहुत अच्छा कंडीशन लग रहा है। लेकिन देखो लास्ट 2-3 साल की बात करें तो कुछ बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट वैसे ब्रियोन एशली में देखने को मिला है। लेकिन हाँ ये बोलूंगा जो रिसेंटली वाला फिजिक है उसमें बहुत अच्छा है, मतलब सेपरेशन की बात करता है, थोड़ा सा लेग्स में कंडीशन की बात करते हैं तो लास्ट टाइम से बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करा इन्हें। बाकी मैं बता दूं ये टोक्यो में कॉम्पीट करने वाले हैं, ठीक है। तो टोक्यो में कॉम्पीट करेंगे, वहां जीतेंगे तो इनको क्वालिफिकेशन मिल जाएगा ओलंपिया के लिए। तो 20 और 25 के बीच में जो अभी टोक्यो में होगा वहां पे ये जा रहे हैं कॉम्पीट करने के लिए। तो ऑल द बेस्ट टू ब्रियोन एशली, बाकी देखते हैं क्या वहां पे टोक्यो प्रो शो को जीतेंगे या फिर नहीं, व्हाटएवर जो भी है हम लोग को देखना होगा। तो आप लोग कमेंट कर बताना इनका फिजिक कैसा लगा। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है IFBB प्रो सिद्धांत जसवाल की तरफ से। रिसेंटली जैसे सिद्धांत जसवाल ने अपना एक पुराना वीडियो उन्होंने शेयर करा, एंड गाइस फिजिक देख सकते हो, और हम सभी लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से अनस्टॉपेबल सिद्धांत जसवाल फिर से ऑन स्टेज आए। आप लोग कौन कौन चाहता है कि सेरू क्लासिक या तो फिर लास्ट वाला जो हमारा इस साल का होगा उसमें या इसमें कौन कौन चाहता है कि आप लोग देखना चाहते हो सिद्धांत जसवाल के, तो कमेंट बॉक्स में कर देना। वैसे मैं बताऊं तो अभी तक जब से इन्होंने प्रो कार्ड जीता तब से अभी तक इन्होंने कम्पीट नहीं करा है किसी भी प्रो शो में। तो गाइस इनको क्या कम्पीट करना चाहिए, वाट एवर जो भी सोचते हो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वैसे देखो फिजिक तो इनका बहुत इनसेन लगता है, मतलब बहुत मैच्योर फिजिक लगता है। तो देखते हैं कब उनके तरफ से कुछ अनाउंसमेंट आता है, जो भी है वाट एवर, तो हम आपके पास अपडेट जो भी है लेकर आएंगे। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताना कि सिद्धांत जसवाल का फिजिक जो है लास्ट वाले शो में आप लोगों को कैसा लगा, और कौन कौन चाहता है कि ये वन मोर टाइम फिर से बैक करें, कम्पीट करें, कमेंट कर देना यार। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है आपका निक वोकर की तरफ से। गाइस देख सकते हो निक वोकर का ये करंट कंडीशन है। निक वोकर तो मतलब बिल्कुल एकदम जब से कम बैक किए बिल्कुल इंप्रूवमेंट के साथ आ रहे हैं, और उन्होंने भी रिसेंटली ना एक हैमस्ट्रिंग का मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी डालता हूं, तो आप लोग वहां देखो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको अपडेट डेली मिलेगा। मैं वहां पे ऑलमोस्ट 8 से 9 अपडेट डालता हूं शॉर्ट्स में डेली। तो मैंने एक डाला था वहां पे जिसमें इन्होंने हैमस्ट्रिंग, मतलब इनका हैमस्ट्रिंग बिल्कुल टाइट और हार्ड, जो इनका टेयर हुआ था ना बिल्कुल पता नहीं चल रहा, इंजरी बिल्कुल फ्री हो गया, मतलब ठीक हो गया। बाकी साइज देख सकते हो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर जरूर देंगे। तो एक बार आप लोग कमेंट कर बताना कि इनका फिजिक कैसा लगा, और निक वोकर के बारे में क्या सोचते हो कि 2024 के ओलंपिया में टॉप 5 क्रैक कर पाएंगे या फिर नहीं। पहले तो देखो इनको क्वालिफिकेशन लेना पड़ेगा, तो जो भी है कहां को कंप्लीट करेंगे, जो भी है अभी 2-3 कॉम्पिटिशन भी खेलेंगे बिफोर ओलंपिया जरूर।
तो अच्छा इंप्रूवमेंट लगेगा, और अच्छा इंप्रूवमेंट वैसे इन्होंने रिसेंटली 2-3 साल में किया है। जितने बड़े बड़े प्लेयर्स सब इनका अप्रिशिएट सबने करा है निक वॉकर को लेकर। तो एक बार आप लोग भी कमेंट में बताना कैसे जी कैसा। जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है आपका लवप्रीत की तरफ से, गाइस देख सकते हो रिसेंटली लवप्रीत ने अपना एक अपडेट शेयर करा, एंड मेरे को लग रहा अपना प्रैप इन्होंने स्टार्ट कर दिया गाइस। देख सकते हो मतलब ऑफ सीजन में ऑन सीजन में फिजिक को देखकर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि फिर शोल्डर राउंड बिट कंडीशन बिल्कुल ऑन पॉइंट, रेंज बिल्कुल पोप है। तो मे भी हो सके पुराना फोटो हो सकता है रिसेंटली, मतलब जो है वो अपडेट मेरे को ऐसा नहीं लग रहा, बट देख सकते हो मतलब फॉर्म की बात कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज का वैसे भी बहुत ज्यादा नैरो है, और जब से इन्होंने अपने फ्रेम में 2-4 खींची मसल मास पुट ऑन करा ना, इनका बिल्कुल बिट बढ़ गया, बिल्कुल फ्रेम जो है बड़ा हो गया। तो फिजिक बहुत ज्यादा प्यारा, बहुत अच्छा फिजिक है, और क्वालिफिकेशन इनको मिल जाएगा। लास्ट वाले शो में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा था इन्होंने, और इन अपकमिंग टाइम में बहुत जल्द मैं बोल सकता हूँ इनको क्वालिफिकेशन मिलेगा। जो इनका फिजिक है प्रो लेवल का फिजिक है यार। तो एक बार कॉमेंट करके बताना कि लवप्रीत का फिजिक आप लोगों को कैसा लगा, और 2024 के ओलंपिया के स्टेज पर दिख सकते हैं लवप्रीत। तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय विचार जरूर दे देना गाइस। तो गाइस जो हमारे नेक्स्ट अपडेट है वो है आपका बिलाल अली की तरफ से। रिसेंटली देख सकते हो बिलाल अली ने अपना एक अपडेट शेयर करा गाइस, और ये अपना प्रैप स्टार्ट कर चुके हैं। अब ये कॉम्पीट करेंगे आफ्टर 8 to 10 वीक्स, एंड गाइस कंडीशन तो देख ही सकते हो। और बिलाल अली तो वैसे भी जाने जाते हैं अपने कोर को लेकर, इनका एट्रैक्टिव बिल्कुल कोर जो कि जज के जो बोलते हैं ना, मतलब किसी भी इंसान को बिल्कुल खींचेगा अपने तरफ। और मिड सेक्शन का तो गेम देखो कंडीशन का है, तो कंडीशन बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन इस बार इन्होंने एक अच्छा इंप्रूवमेंट जो करा कि लास्ट ईयर इन्होंने बैक टू बैक शो खेला था, और ओलंपिया में जाकर इनका बॉडी जो था बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करा, लेकिन इस साल इन्होंने बहुत सही डिसीजन करा। ये पूरे साल कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं, बस एक खेलेंगे क्वालिफिकेशन लेंगे और ओलंपिया के स्टेज पे दिखेंगे, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस भी बढ़िया जरूर निकाल कर देंगे ये। और बिलाल अली बहुत पोटेंशियल वाले एथलीट्स हैं नो डाउट इसमें। तो आप लोग कमेंट कर बताना जो करंट फिजिक है कैसा लगा, और आफ्टर 14 वीक्स में भी ये कॉम्पीट करने वाले हैं, तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है रोहित खत्री की तरफ से। रिसेंटली उन्होंने कुछ टिप्स शेयर करा आप लोग के लिए, काफी वीडियो भी देखना है। रोहित खत्री के बारे में क्या सोचते हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। फ्रूट है जो बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत क्या आती है कि जब वो वर्कआउट करते हैं वो करना तो चाहते हैं आधा घंटा, 1 घंटा या 1.5 घंटा, बट उनसे हो नहीं पाता है क्योंकि जो उनके एनर्जी टैंक है वो बिल्कुल खाली हो जाते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो कहाँ से मिलती है? खाना खाने से। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपकी एनर्जी बहुत लो फील होती है, तो आप केले का यूज करें ड्यूरिंग वर्कआउट। BCAA सप्लीमेंट भी ले सकते हो। तो केले को कैसे यूज करना है, आपने 1-2 सेट मारे फिर 1 बाइट केला खा लिया, फिर 1-2 सेट मारे फिर 1 बाइट केला खा लिया, ऐसे करके आप अपना जो वर्कआउट है वो लंबे ड्यूरेशन तक कर सकते हो और आपको एनर्जी भी बढ़िया फील होगी। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है गुरुजी मुकेश गहलोत की तरफ से। रिसेंटली उन्होंने कुछ टिप्स करा आप लोग के लिए, आपसे वीडियो को देखना है एंड बताना कि वीडियो कैसा लगा। कि डंबल लेटरल रेज या डंबल साइड रेज इस तरीके से करना है, थोड़ा स्ट्रिक्ट फॉर्म में, और टेक्निकली ठीक भी यही है, लेकिन मोस्टली आप जिम्स में देखेंगे वो करते हुए आपको ज्यादातर 99% लोग इस तरीके से करते दिखेंगे जैसे ये मैंने दिखाया। गलत ये भी नहीं है, देखो जब आप शुरू में आते हैं तो लाइट वेट से शुरू करें, स्ट्रिक्ट फॉर्म रखें, और थोड़ा सा जैसे जैसे आप यूज होंगे थोड़े और वेट पे जाएंगे, थोड़ा सा और वेट बढ़ाएंगे। ये वाला मूवमेंट भी ठीक है जो मैंने 10 kg डंबल से दिखाया है, यहां तक भी ठीक है, स्ट्रिक्ट फॉर्म है, आइसोलेशन मूवमेंट है, और जहां पे इसका इफेक्ट होना चाहिए साइड डेल्ट पे वहीं पे आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर तो जाएंगे आप कोशिश करते मैं और ज्यादा वेट उठाऊं, और ज्यादा उठाऊं, और ज्यादा के चक्कर में थोड़ा सा आप अदर मसल्स जो सेकेंडरी मसल्स है उनकी हेल्प लेना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा बॉडी मोमेंटम यूज करना शुरू कर देते हैं। और गलत वो भी नहीं है जैसे ये दिखाया मैंने 20 kg डंबल से, ये भी ठीक है। मोस्टली प्रोफेशनल एथलीट हो या एडवांस एथलीट हो वो ऐसे ही दिखेंगे आपको इस तरीके से करते हुए, लेकिन इसके बाद जब आप जाते हैं ना, जब आपके डेल्ट पे काम हो ही नहीं रहा, बस इधर उधर से झूल के वेट उठा रहे हैं जैसे ये दिखाया मैंने, ये वाला इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पर्पज था डंबल साइड रेज का लेटरल रेज का साइड डेल्ट को डेवलप करने का वो इसमें सॉल्व हो ही नहीं रहा है, उल्टे कहीं ना कहीं आपको जर्क आ सकता है शोल्डर। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, नहीं वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इसी प्रकार आपको फिटनेस इंडस्ट्री का सारा अपडेट आपको हमारे चैनल सिंह फिटनेस पे मिलता रहेगा। तो जो भी है सप्लीमेंट, यदि आपको किसी प्रकार का जेन्युइन सप्लीमेंट चाहिए तो एथलीट फॉर्मल न्यूट्रिशन का जो कि मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर चेकआउट कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।